कास्ट सर्टिफिकेट, कौन कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा सभी का बताऊंगा दोस्तों, ओबीसी एससी एससी ईडब्ल्यूएस किस किस का चलेगा और कौन कौन सा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो जनरल में किसको डाल देंगे, ठीक है, जनरल में कौन कौन काउंट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, सबने आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, वीडियो किसके ऊपर बनने वाली है, आज वीडियो बनने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के डॉक्यूमेंट को लेकर। ज्यादातर बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी वाले, उनके अंदर डाउट भरा हुआ है, वो मुझसे पूछ रहे थे कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट चलेगा और कौन कौन सा नहीं चलेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कास्ट सर्टिफिकेट, कौन कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा सभी का बताऊंगा दोस्तों, ओबीसी एससी एससी किस किस का चलेगा और कौन कौन सा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जनरल कैटेगरी में यदि डाल देते हैं, ध्यान रखना यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जितना मांगा गया उतना पुराना नहीं है तो आपको दोस्तों जनरल में डाल देंगे, तो जनरल में किसको डाल देंगे, ठीक है, जनरल में कौन कौन काउंट हो सकता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए बोल रहा हूं वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों कोई भी डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश मैं करूंगा। अब मैं लेके चलता हूं सीधे टॉपिक के ऊपर। दोस्तों मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन जब आपका आया था उस नोटिफिकेशन में एक लाइन लिख रखी थी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जनरल को नहीं चाहिए, ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस इनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अब इसमें नोटिफिकेशन में लिख रखा था 7/9/2020 से पहले का चाहिए, मतलब कि फॉर्म भरने की अंतिम तारीख से पहले का चाहिए, यह आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख रहा था। लेकिन ज़्यादातर बच्चों की यही प्रॉब्लम है, उस समय उन्होंने नहीं बनवाया, किसी ने तो अब नया बनवा लिया, किसी के पास पुराना है, किसी के पास स्टेट का है, किसी के पास सेंट्रल का है। तो मैं आपको बता दूँ एक एक का डाउट मैं क्लियर करते चलता हूँ। पहले मैं ले लेता हूँ एससी और एसटी। एससी और एसटी वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको दोस्तों रिजर्वेशन मिला हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एससी और एसटी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो 7/9/2020 से पहले का बना होना चाहिए, बाद का नहीं चलेगा, ध्यान रखना मैं बता रहा हूँ बाद का नहीं चलेगा। एससी और एसटी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी ओबीसी में ईडब्ल्यूएस में। अब मैं आपका दोस्तों ईडब्ल्यूएस का भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी दोस्तों 7/9/2020 से पहले का बना होना चाहिए, बाद का नहीं चलेगा। और कितना पुराना चल जाएगा, AWS सर्टिफिकेट बनता है 1 साल पुराना, यदि 1 साल पुराना भी है वो भी चल जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है AWS सर्टिफिकेट। अब कमेंट करके ये पूछेंगे AWS सर्टिफिकेट स्टेट का चाहिए या सेंट्रल का चाहिए, यदि आप पास स्टेट का है वो भी चलेगा, सेंट्रल का है वो भी चलेगा, क्योंकि दोस्तों दिल्ली पुलिस में यह अब की बार नया जुड़ा है AWS, तो इसमें बच्चों को बाहर नहीं करेंगे, यदि आपके पास है स्टेट का या सेंट्रल का तो वो चल जाएगा, डाउट क्लियर कर दिया AWS का। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओबीसी वाले बच्चों को, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी इनको ही आने वाली है। ओबीसी का सर्टिफिकेट किस किस का चलेगा, ध्यान रखना आपका सर्टिफिकेट है वो 7/9/2020 से पहले का बना होना चाहिए, कितने पहले का नहीं लिख रहा है नोटिफिकेशन में कितने पहले का, यदि 3 साल पुराना भी है वो भी चल जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ओबीसी सर्टिफिकेट। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है सेंट्रल का चाहिए या फिर स्टेट का चाहिए, तो ध्यान रखना केंद्र की भर्ती है दिल्ली पुलिस की, तो सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, आपका स्टेट का नहीं चलेगा, सेंट्रल का यदि आपके पास है तो वो चल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओबीसी का मैंने बता दिया 7/9/2020 से पहले का होना चाहिए। अब ज्यादातर मेरे पास कमेंट करेंगे कि उस समय हमने नहीं बनवाया था, या हमारे पास उस समय था लेकिन स्टेट का था सेंट्रल का नहीं था, ठीक है, और बहुत कमेंट ये भी कर रहे हैं कि हमारे पास प्रेजेंट में हमने नया बनवा लिया है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों नोटिफिकेशन में लिख रखा है 7/9/2020 के जो बाद में जो भी बने हुए हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, वो नहीं चलेंगे, तो कब के चलेंगे 7/9/2020 से पहले के चल जाएंगे। अब ज्यादातर का यही प्रॉब्लम है, तो हमारे पास नहीं है, हमने नया बनवा लिया तो क्या हमको बाहर कर देंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको बाहर नहीं करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं ओबीसी से उठाकर जनरल में डाल सकते हैं, ईडब्ल्यूएस से उठाकर जनरल में डाल सकते हैं, यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो जनरल
पोर्टल में डाल देंगे, आपको बाहर नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि जनरल कैटेगरी में किस किस को डाला जाएगा। मैं आपको बता दूं, यदि ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यदि आप जनरल कैटेगरी के क्राइटेरिया के अंदर आते हो, जो नोटिफिकेशन में जनरल कैटेगरी का क्राइटेरिया रखा गया है ना, जिसमें एज हो गई ठीक है, उसके अंदर यदि आप आते हो तो ही आपको जनरल में डाला जाएगा, अन्यथा आपको जनरल में भी नहीं डाला जाएगा। मतलब कि यदि दोस्तों जनरल कैटेगरी की बराबर आपकी एज है, मतलब कि 18 से 25 साल है, और जनरल में जनरल वही बच्चा फाइट कर सकता है जिसके नंबर जनरल कैटेगरी के बराबर हो, नहीं तो वो ऐसे ही बाहर हो जाएगा। जनरल कैटेगरी के बराबर जिसके नंबर होगा उसको जनरल में डाल दिया जाएगा, जनरल कैटेगरी के बराबर जिसकी कट ऑफ में जितने नंबर आ रहे होंगे उसको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो ये डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया, किस किस को जनरल में डाला जाएगा। जनरल का दोस्तों जो क्राइटेरिया है उसमें यदि आप आ रहे हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात और मैं बता दोस्तों, आपके पास नया कास्ट सर्टिफिकेट है, पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है, उसको लेके ही आपको दोस्तों फिजिकल देने जरूर जाना है। अब क्यों जाना है ये भी सुन लो, क्योंकि दोस्तों अंतिम रूप से जो दोस्तों वो चयन करेंगे ना, जो वहां पर आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, वहीं पर वो आपको बताएंगे कि आपका सर्टिफिकेट चलेगा नया या नहीं चलेगा, ठीक है, उनके ऊपर निर्भर है। जब आपका फिजिकल हो जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक होंगे, जो अफसर आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे उनके ऊपर निर्भर है कि वो आपको जनरल में डालते हैं, बाहर करते हैं, या फिर आपको दोस्तों उसी कास्ट में रख लेते हैं। अब उनके ऊपर निर्भर है वो क्या करते हैं, लेकिन आपको फिजिकल देने जरूर जाना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, फिजिकल की तैयारी भी करनी है और फिजिकल देने भी जाना है। अब भी आपका कोई डाउट रह जाता है ध्यान से सुन लेना, अब भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।